दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अडप्टर इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अडप्टर पहले बात करेंगे, अडप्टर होता क्या है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। अडप्टर क्या है इन एंड्रॉइड? अडप्टर इज ए ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस और डेटा सोर्स के बीच में एक तरह का ये ब्रिज का काम करता है। इट होल्ड द डेटा एंड सेंड द डेटा टू एन अडप्टर व्यू, देन व्यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम अडप्टर व्यू एंड शो द डेटा ऑन डिफरेंट व्यू। मेरे को क्या करना है कि डेटा लेना है कहां से, डेटा सोर्स से, और डेटा को शो करना है मेरे किसमें, यूआई कंपोनेंट में। अब शो कहां करूंगा, मैं लिस्ट व्यू में डेटा को शो कर सकता हूं, ग्रिड व्यू में कर सकता हूं, या स्पिनर में मैं इसको शो कर सकता हूं। अब डेटा जो है, डेटा काम क्या है, फिल करना। टू फिल डेटा इन ए लिस्ट और ए ग्रिड वी नीड टू इंप्लीमेंट अडप्टर। अगर मेरे को डेटा को फिल करना है तो उसका प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंप्लीमेंट क्या करना पड़ेगा, अडप्टर। ए अडप्टर एक्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स। यूआई कंपोनेंट और डेटा सोर्स के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। डेटा सोर्स क्या हो सकता है, डेटा सोर्स मैं मेरे एरे से उठा सकता हूँ, लिस्ट से उठा सकता हूँ, डेटाबेस से उठा सकता हूँ, एमएस एक्सेस से उठा सकता हूँ, या डेटा मैं आपको जो जनरली एंड्रॉइड में काम में आता है एसक्यूएल लाइट जो काम में आता है डेटा सोर्स, वहां से भी मैं उठा सकता हूँ आपको, और डेटा को शो करना है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो जनरल लाइफ के अंदर काम में आता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, और ये अडप्टर है। ये क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन या ब्रिज का काम कर रहा है। डेटा सोर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, एरे लिस्ट हो सकती है, जो यहां बात कर रहे हैं एरे लिस्ट ये हो सकती है, एसक्यूएल लाइट जो हो सकती है वो हो सकती है, और ये हो सकती है यूआई कंपोनेंट जिसमें मैं डिस्प्ले करूंगा आपको, ये काम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब मैं बात करता हूं कि भाई ये जो है मेरा डेटा है ये कहाँ आएगा, बेस अडप्टर, इस तरह के अडप्टर हो सकते हैं, अडप्टर इन एंड्रॉइड, एरे अडप्टर हो सकते हैं, है ना, कस्टम एरे अडप्टर हो सकते हैं, सिंपल अडप्टर हो सकते हैं, और कस्टम सिंपल अडप्टर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस अडप्टर की, इट इज पेरेंट अडप्टर फॉर ऑल अदर अडप्टर। एरे अडप्टर इट इज यूज व्हेनेवर वी हैव ए लिस्ट ऑन सिंगल आइटम की, अगर मेरे पास लिस्ट है तो मैं एरे अडप्टर यूज करूंगा, अगर उसको कस्टमाइज करना है तो मैं कस्टमाइज्ड अडप्टर यूज करूंगा। सिंपल अडप्टर इज एन इजी अडप्टर टू मैप स्टैटिक डाटा टू व्यू डिफरेंट इन, या मैं कस्टम सिंपल अडप्टर यूज कर सकता हूं, जब मेरे को अगर मान लीजिए लिस्ट एक न सके दो लिस्ट हैं जिसमें से मेरे इमेज भी आ जाए, नाम भी आ जाए, उस तरीके से प्रोसेस करना है तो मैं कस्टम सिंपल अडप्टर यूज कर सकता हूँ। अब पहले सबसे पहले बात करते हैं बेस अडप्टर की। बेस अडप्टर इज ए कॉमन क्लास, कॉमन बेस क्लास of an general implementation of an adapter that can be viewed in list view, grid view, या spinner. Base adapter can be extended to create from custom array adapter या custom adapter. For displaying a custom list, array adapter is also an implementation of base adapter. देखिए किस तरीके से होता है, public class ली custom base adapter की, अब custom base adapter की अपने जब class ली तो ये देखिए ये कस्टम बेस अडप्टर की, यहां ये फंक्शन क्रिएट होगा गेट काउंट, गेट आइटम आईडी, ये इस तरीके से मेथड है। अब देखिए यहां भी मैं देखता हूं आपको, ये अब यहां क्या कर रहा है, गेट काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट करने के काम में आता है, और गेट मेथड जो फंक्शन है गेट आइटम आईडी, आईडी लेने के लिए काम आता है, गेट आइटम आईडी, गेट व्यू, ये सारे के सारे फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गेट काउंट, मेरे एरे या मेरा जो डेटा सोर्स है जहां से मेरा डेटा आ रहा है वो क्या करेगा, गेट काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा कि कितने एरे ऑफ या नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं उनको काउंट करने के लिए गेट काउंट, गेट आइटम, आइटम को गेट करने के लिए, आईडी को गेट करने के लिए, आइटम को व्यू करने के लिए, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो काम में आते हैं। अब बात करते हैं कि गेट काउंट और गेट व्यू, सबसे पहले गेट काउंट मेथड क्या काम करता है, गेट काउंट फंक्शन या मेथड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी डिस्प्ले इन ए लिस्ट।
एक जो लिस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने डिस्प्ले हो रहे हैं वो किसके थ्रू होता है, गेट काउंट। इट काउंट द वैल्यू फ्रॉम एरे, किस तरीके से, एरे लिस्ट जो अपन जावा में पढ़ते हैं, एरे लिस्ट डॉट साइज, ये क्या काम करता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे लिस्ट और इसको रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही गेट व्यू, द फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द लिस्ट आइटम व्यू इज रेडी टू बी डिस्प्ले और अबाउट टू बी डिस्प्ले, मतलब जो डिस्प्ले आइटम्स है जो डिस्प्ले हो रहे हैं मेरे एरे लिस्ट या वहां से, उनको अगर मेरे को व्यू करना है, व्यू कहाँ कर सकता हूँ, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट व्यू में भी करूंगा, अगर इमेज है तो इमेज व्यू में, अगर मैं उसको आइटम को व्यू करने के लिए काम में आते हैं गेट व्यू आइटम। अब बात करते हैं, देखिए व्यू, ये व्यू बात हो रही थी, गेट व्यू, यहाँ पे इन्फ्लेट इन्फ्लेटर क्लास यूज हो रही है, ये इमेज व्यू यूज हो रही है, टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू में यूज कर सकता हूँ। गेट आइटम, अगर मेरे को द फंक्शन इज यूज टू गेट द डेटा देन एसोसिएट विद स्पेसिफिक पोजिशन इन द डेटा सेट टू ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, अगर मेरे को आइटम को गेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को, तो मेरे को गेट आइटम यूज करना पड़ेगा। देखिए ये का ये पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट आइटम, ये आइटम को गेट करने का नंबर हो गया, एरे लिस्ट में से आइटम गेट हो जाएगा और रिटर्न। अब बात करते हैं गेट आइटम आईडी, आइटम की जो आईडी है, ये आइटम की आईडी क्या करता है, मतलब आइटम की आईडी गेट करते हैं, फिर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उस आइटम को अपन कैच कर लेते हैं। एज फॉर द गेट आइटम आईडी इट रिटर्न द कॉरस्पॉन्डेंस टू द पोजीशन ऑफ द आइटम आईडी, द फंक्शन रिटर्न ए लॉन्ग वैल्यू ऑफ आइटम पोजिशन टू द अडेप्टर। ये देखिए इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक था वो मेनली जो है ये अडेप्टर की थ्योरिटिकल पोर्शंस हैं। अब अगला अपन बात करेंगे लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू